नमस्कार। बी वेल्दी के पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने आपको बताया है निवेश के कुछ ऐसे विकल्प जहां पर आप अगर पैसे डालेंगे तो आपके पैसे कुछ सालों में दोगुने हो सकते हैं। ऐसे ही एक और विकल्प की बात आज हम करेंगे और उस विकल्प का नाम है कंपनी डिपॉजिट और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी NCD। ये होते बैंक डिपॉजिट की तरह है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप पैसे ना बैंक में नहीं डिपॉजिट करते हैं, यहाँ पर आप कंपनी में डिपॉजिट करते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि कितना इंटरेस्ट मिलेगा इस पर, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पर जो इंटरेस्ट है ना कोई फिक्स नहीं होता, यहाँ पर इंटरेस्ट डिपेंड करता है उस कंपनी की रेटिंग पर। अगर मान लीजिए कि रेटिंग क्या क्या होती है पहले ये बता दें। रेटिंग जैसे AAA होती है, AA होती है, सिंगल ए होती है, तो ये AA, AAA, सिंगल ए की रेटिंग अच्छी मानी जाती है। जो सबसे ख़राब रेटिंग होती है वो D की होती है, ओके। तो जो ये अच्छी वाली रेटिंग है ना AA, AAA, A वाली, उनका जो इंटरेस्ट है ना वो जो बैंक FD उस वक्त दे रहा होता है आपको ब्याज दर, उससे 1.5-2% ऊपर होता है। तो मान लीजिए कि अभी 7.5% के आसपास का ब्याज दर है, अगर आपको ये ब्याज मिल रहा है बैंक FD पर, तो ये AAA, AA, रेटिंग वाले NCD और कंपनी डिपॉजिट जो है ये आपको करीब 8.5-9% के आसपास का ब्याज आपको देंगे। तो अगर आपको 8.5-9% के आसपास का ब्याज मिलेगा तो आपके पैसे कितने सालों में डबल हो जाएंगे? आपके पैसे डबल हो सकते हैं 8 साल कुछ महीनों में, ठीक है। मतलब 8 साल कुछ महीनों में अगर आपने 1 लाख रुपये लगाए हैं तो वो 2 लाख हो जाएंगे। तो लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो कमाई होती है ना वो कमाई पे टैक्स लगता है, प्लस जो आप पैसे इन कंपनी में डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर कोई टैक्स छूट भी नहीं मिलती है। तो यहाँ पर कोई टैक्स बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। एक और बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि यहाँ जो लॉक इन होता है जितने भी टेन्योर का, मतलब कि मान लीजिए कि 4 साल का है, 5 साल का, या 10 साल के लिए आपने डिपॉजिट किया है, तो अगर कंपनी डिपॉजिट में आपने पैसे डाले हैं 10 साल के लिए तो आप बीच में नहीं निकल सकते हैं। अगर निकलना चाहेंगे तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में थोड़ा अलग तरीका है। ये जो होते हैं NCD, ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बीच में निकलना है तो आप वहाँ जाकर इसको बेच सकते हैं। तो NCD में बीच में निकलने का ऑप्शन है, लेकिन जो कंपनी डिपॉजिट होती है वहाँ बीच में निकलेंगे तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। चेकलिस्ट इस चीज़ के लिए नोट कर लें। यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, CD यानी कंपनी डिपॉजिट और NCD यानी नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में निवेश करने के पहले, वो ये कि आप रेटिंग देख लें। हो सकता है जो ख़राब रेटिंग वाली जो NCD है या CD है वो आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया इंटरेस्ट रेट या ब्याज दर ऑफर कर रही हो, लेकिन हमारी सलाह यही होगी कि आप हमेशा अच्छी रेटिंग वाले प्रोडक्ट में निवेश करें, ताकि आपको यहाँ पे ना कोई बेवजह टेंशन या कोई सरदर्द ना हो, कोई चिंता फिक्र ना हो। तो इतना ध्यान रखेंगे तो आपके पैसे इस रूट के ज़रिए CD या NCD के ज़रिए 8 से 9 साल के बीच में डबल हो सकते हैं। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है कॉर्पोरेट कंपनी डिपॉजिट और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से जुड़ा हुआ तो आप हमें कमेंट कीजिए या फिर आप हमें मेल कीजिए। मेल करते हैं तो अपना नंबर भी ज़रूर लिख दिया करें, ताकि अगर आपके सवाल से जुड़ा कोई सवाल हमारे दिमाग में है तो हम आपको कॉल करके पूछ सकें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी कीजिए, और ऊपर जो घंटी बनी हुई है वो घंटी भी क्लिक कीजिए, ताकि अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं अमीर बनने के सफ़र पर।